लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी, दिस इज अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 का जो लेक्चर नंबर 3 है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। अब बेटा ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बताया कि 3 टाइप हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो उनमें हर दफ़ा हम एक को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वो थर्ड टाइप यूज़ होगी। वो टाइप क्या थी, मैं यहाँ पे वैसे मेंशन भी कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको पता चल गया कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम पुट करेंगे एक्स की जगह पे ए टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो मेरे पास है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू ए, हमारे पास 1 है, तो जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई हमारे पास उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मैं पुट करूंगा x is equal to a, x is equal to tan theta, ये आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका डिफरेंशियल, dx is equal to d tan theta, so dx is equal to tan का डिफरेंशियल मेरे पास आएगा कि sec square theta, और एंगल का अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो d theta। ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू मेरे पास आई है जी secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गई है मेरे पास। अब हम जानते हैं कि ऊपर पावर है हमारे पास 3/2, ये भी आ गई ऊपर पावर भी है 3/2। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है जी secant स्क्वायर थीटा के होल पावर 3/2, एंड secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया मेरे पास। अब 2 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ गया जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर secant क्यूब थीटा एंड secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया। एक स्क्वायर थीटा सॉरी सीक्वेंट स्क्वायर थीटा और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास बाकी बच गया जी 1 ओवर सीक्वेंट थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या है जी, हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी साइन, सो साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। लेकिन जो हमारा वेरिएबल था वो था एक्स में, ठीक है, तो बेटा मुझे किसी ना किसी तरह थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, देन हमारे पास वो आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास tan थीटा है वो इक्वल किसके है, ये भी हमने देखा x is equal to tan थीटा, तो अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूं ठीक है तो ये एक रेशियो बन जाएगा कि हमारे पास tan की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पे हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उधर से हम क्या करते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे थीटा हो तो थीटा के बिल्कुल सामने जो होता है वो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आ गया जी एक्स, तो ये हमारे पास है जी बेस। अब ये है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यूज का हमें नहीं पता तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी और सी का, चले आप इसको कह दें ए, इसको कहते हैं बी, उसको कहते हैं सी। ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर, और सी मेरे पास है जी 1, 1 का स्क्वायर
आ जाएगा मेरे पास। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा सो ए की वैल्यू मेरे पास आएगी जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा मेरे पास इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे ये वैल्यूज पुट कर दें तो इस इंटीग्रल की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी आई इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसलिए हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन की क्योंकि हमारे पास कोई भी रूल डायरेक्ट नहीं था जिसको अप्लाई करके इसको इवैल्यूएट कर लेते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स सॉल्यूशन। लेट कर लें लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। अगर इसको उठा के इस तरह ऊपर ले जाऊं तो ये मेरे पास आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टेन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। अगर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। एज हम ये रूल यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका न्यूमिरेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है dx, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी इंटीग्रल मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा जी नेचुरल लॉग टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डीएक्स सॉल्यूशन। लेट कर लें लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डीएक्स या ठीक है। जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सो डियर स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं जी रैशनलाइज करते हैं। सो हम इसको क्या कर लेते हैं जी रैशनलाइज। सो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाइंग भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया साथ में आ गई मेरे पास dx। सो ये मेरे पास आ गया जी देखें अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर दूँ तो ये मेरे पास आ गया जी इंटीग्रेशन इंटू स्केयर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। नीचे मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी 1 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर डी एक्स ये आ जाएगा जी मेरे पास जी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आ जाएगा मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स हम यहां पे आगे रूल एक यूज करेंगे देखिए ये हुआ इससे कैंसिल आउट बाकी मेरे पास बच गया जी 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये फॉर्म है। आप इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख लो 1 ओवर स्क्वायर रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। मैंने इसको एलसीएम को टू पार्ट में डिवाइड करवा दिया। अब आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब डीएस स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये मैंने आपको जब मैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था उस टाइम बताई थी। तो देखें 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है, गौर करें तो ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं है। तो डीएस स्टूडेंट्स इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, ये मेरे पास आएगा जी साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक स्टेप छोड़ रहा हूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये मेरे पास आएगा जी 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस x स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 इनटू 2x dx। साथ में माइनस भी होना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव आता है माइनस 2, तो यहां पे भी बेटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दो, यहां पे आपके पास माइनस आ जाएगा। अब ठीक है, इधर भी आपके पास माइनस आ जाएगा। अब डीएस स्टूडेंट्स फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये मेरे पास आएगा कि आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा मेरे पास। अब डीएस स्टूडेंट्स आप इसका लें एलसीएम तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 2 ओवर 1 बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हुआ इससे कैंसिल हो। सो ये मेरे पास आ गया जी साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा जी। तो डीएस स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी डीएस स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो चाहिए। इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास, थीटा नहीं है जी। लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। डी स्टूडेंट्स यहां पे आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें, पुट करें, पुट थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से ना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, वरना आपको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा या कोई अदर टेक्निक यूज करना पड़ेगी। तो डी स्टूडेंट्स आप क्या करें, पुट करें कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं टी पुट कर देता हूं, ठीक है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर उसका डिफरेंशियल भी निकालते हैं। सो कॉस का डिफरेंशियल क्या आएगा, यानी कि कॉस की कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है ना, तो यहां पे आ गया जी माइनस साइन थीटा और एंगल का डिफरेंशियल जब मैं लूंगा डी थीटा इज इक्वल टू डी डी, ये आ गया। ऊपर चाहिए मुझे पॉजिटिव साइन थीटा, तो ये इधर आ गया, तो ये मेरे पास आ गया जी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी थीटा। ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करें हम, तो ये आ जाएगी i = माइनस 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर dd, या माइनस को बाहर लिख लें 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर dt, सॉरी बेटा यहां पे आप dd लिख लें नॉट d थीटा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स की, तो ये आ गई मेरे पास माइनस tan इनवर्स ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t मैंने लेट किया हुआ है जी cos के, तो ये मेरे पास आ गया जी cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 था तो उसको मैंने x स्क्वायर का होल स्क्वायर बना के लिख लिया जी। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे बेटा माइनस है, हम पुट करेंगे पुट
x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा, ये हम पुट करें। तो जब मैं x स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालूंगा तो मेरे पास आएगा जी 2x dx इज इक्वल टू a sin का डेरिवेटिव होता है जी cos थीटा, cos थीटा और एंगल का अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो d थीटा आ जाएगा। और x dx की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी जी 1 ओवर 2 a cos थीटा d थीटा, ये आ जाएगा। ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। I is equal to integration a over, अब देखिए x dx उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर 2 a cos थीटा, तो जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया वो एक दफा लिखते हैं जी a square। अब x स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया जी a sin थीटा, तो ऊपर स्क्वायर है इंडिविजुअली अप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा मेरे पास, और साथ में मेरे पास आएगा जी 1/2 dx, dx की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2 a cos थीटा d थीटा, ये आ गया मेरे पास। कांस्टेंट को बाहर लिख लें, i is equal to a into a स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया मेरे पास। एंड इंटीग्रेशन 1 ओवर, इसमें से ना a स्क्वायर को कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट a स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा मेरे पास cos थीटा d थीटा, ये आ गया। I इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर, हम जानते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है जी cos स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, ये आ गया मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी a स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर a cos थीटा, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ इनटू cos थीटा d थीटा, ये हुआ इससे कैंसिल आउट, ये आ गया जी मेरे पास a स्क्वायर ओवर 2 और इस कांस्टेंट को बाहर लिख लें d थीटा, ये आ गई मेरे पास a ओवर a a से कैंसिल आउट हुआ a ओवर 2 d थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी जी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब थीटा डी स्टूडेंट्स हमारे पास इसके इक्वल आएगा, तो यहां से हम वैल्यूज निकालते हैं। एज वी नो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा, तो sin थीटा की डी स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी, दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो x स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी जी sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर ओवर a प्लस, चलें ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी a ओवर 2 sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर ओवर a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर dx। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम यहां पे ना कोशिश करते हैं कि हमारे पास किसी तरह इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर dx, ये है ना, तो इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 9 को ऐड भी कर देते हैं और सबट्रैक्ट भी कर देते हैं। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर dx, ये आ जाएगा मेरे पास। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 7 और 9 को ऐड करें तो मेरे पास आता है जी 16, इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लें तो बाकी मेरे पास बच जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आ जाएगा मेरे पास dx। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस, ये मेरे पास आएगा जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर,
इसको डियर स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करके देख लें तो यही फॉर्म बनेंगे आपके पास जो ये प्रोड्यूस जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एज वी नो दैट एज इंटीग्रेशन 1 ओवर जनरल रूल ऑफ साइन इनवर्स, वो इसका मैं जनरल रूल लिखने जा रहा हूं यहां पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर dx हो तो इसको हम लिख सकते हैं जी साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी i सॉरी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ये मेरे पास आएगा जी साइन इनवर्स ऑफ x मेरे पास यहां पे है x प्लस 3 और जो मेरे पास a है वो है 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन देखें cos of x over sin x natural log of sin x dx या लेट कर लें लेट i is equal to integration cos of x divided by sin x natural log of sin x dx या इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें या आगे मेरे पास 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स ये आ गई मेरे पास ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेट सॉरी पुट नेचुरल लॉग ऑफ sin of x is equal to t ये आ रहा है पास, इसको मैंने t इक्वल पुट कर दिया। अब आप इसका डिफरेंशियल ले नेचुरल लॉग sin का पहले डिफरेंशियल ले तो ये आ जाएगी 1 ओवर sin x, जब मैं sin x का डिफरेंशियल लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी cos of x और x का डिफरेंशियल लेंगे तो साथ में dx आएगा और t का डिफरेंशियल dt या इसको हम लिख लेते हैं जी cos of x over sin of x dx is equal to dt या आ जाएगा। अब dx स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें सो i is equal to इंटीग्रेशन देखें इंटीग्रेशन 1 over t या आगे मेरे पास क्या 1 over t नेचुरल लॉग sin x को मैंने पुट किया जी t की वैल्यू ये आ गई 1 over t cos x over sin x dx की वैल्यू क्या है मेरे पास dt। तो 1 ओवर t की इंटीग्रेशन क्या होगी जी नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और t हमारे पास किसके इक्वल है जी t हमारे पास इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ sin ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स के अंदर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ जहाँ से समझ ना आई कोई समझ बात ना आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फिर तो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा तरह जिंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अस्सलामुअलैकुम।